सलामुन अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। लेट्स सिट कंफर्टेबली, अपना ध्यान अंदर की तरफ लिए चलते हैं। लेट्स डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड अस एंड फोकस ऑन आवर ओन सेल्स, ऑन आवर बिहेवियर्स। नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ करते हैं उनको सारी ज़िंदगी जस्टिफाई करते रहते हैं, इस डर की वजह से कि लोग हमें गलत कहेंगे। अगर हमने अपनी गलती तस्लीम कर ली तो हम लोगों की नज़रों में गुनहगार हो जाएंगे, जबकि अगर हम अपनी गलतियों को ओन करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको तस्लीम करके जो भी गलतियां की हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का हक मारा है, किसी की गीबत की है, कोई भी ऐसा काम किया है, अपनी गलती को मानते हुए अगर हम माफ़ी मांग लें और कोशिश करें कि हम आने वाले वक्त में अपने आप को बेहतर करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ बहुत आसान हो जाएगी बल्कि लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे, हमें एक्सेप्ट करने लगेंगे। जब हम अपनी गलतियां तस्लीम कर लेते हैं, लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आइए अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। लेट्स सिट बैक एंड प्रिपेयर आवर माइंड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, जो हमने अपनी सोचों में गलतियां की, अपने बिहेवियर में गलतियां की, अपने मामलात में लोगों के बारे में गलत सोच कर आज उसको ठीक करते हैं। लेट्स करेक्ट आवरसेल्व्स। आई एम अ वाइज बीइंग, मैं समझदार अकलमंद रूह हूँ। हर सिचुएशन में, तमाम हालात में मैं बहुत अच्छे, मस्बत और खूबसूरत ख्याल क्रिएट करती हूँ। मेरे अल्फाज, मेरा बिहेवियर बेहतरीन होता है। आई एम ऑनेस्ट एंड सिंसेयर विद एवरीवन। सच्चाई और मुखलिसी मेरा खासा है। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ। मैं एक बेहतरीन नेचर की मालिक हूँ। आई डू बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, एवरी सीन। हो सकता है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, मुझ पे तनकीद करें,
उन तमाम चीज़ों के लिए जो मैंने कही और की। और जब लोग मुझ पर तनकीद करते हैं तो मैं उसका बुरा नहीं मनाती, मैं बिल्कुल स्टेबल रहती हूँ। मैं लोगों का फीडबैक लेकर अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को बेहतर करने का इरादा करती हूँ। और इसी नियत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी आगे लेकर बढ़ती हूँ। मैं खामोशी से साइलेंट ऑब्जर्वर बनके लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो भी शिकायत हैं मुझसे, वो सुनती हूँ और फिर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करती हूँ, जो कि हो सकता है मुझसे मुख्तलिफ हो, मगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इज्जत देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरे अपने हैं और ये मेरे लिए बेहतरी चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ। मैं खामोशी से तमाम चीज़ें जो वो कह रहे होते हैं उनको सुनती भी हूँ, समझती भी हूँ। कुछ लम्हात के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखती, बल्कि उनके नज़रिए से उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रही होती हूँ जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि हो सकता है कि मेरा तरीका कार बेहतरीन ना हो और उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हो सकता है कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकूं। और हर इंसान में बेहतरी की 100% गुंजाइश होती है और मैं अपना बेहतरीन वर्जन बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इसलिए लोगों का, मेरे प्यारों का, मेरे रिश्तेदारों का, बड़ों बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बेइंतहा ज़रूरी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अगर मुझसे कहीं कोई गलती, कोई ख़ता हुई है तो मैं उसके लिए बहुत आसानी से माफ़ी मांग सकती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मैं दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहती और ना ही करती हूँ। आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस। आई रिस्पेक्ट देयर फीडबैक, आई रिस्पेक्ट देम, I respect myself। अगर हमसे कभी कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें खुले दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपनी गलती तस्लीम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। लेट्स
accept our mistakes and live an empowered life. Have a great day.